कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इन नूडल्स से। इसमें सॉस डालते हैं और फिर खाते हैं। कितने रंगीन और स्वादिष्ट हो गए। कितना अजीब लग रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो मेरे घर से ज्यादा पसंद है यह जगह। और अच्छा है कि यहाँ चिप्स है। यह कौन से फ्लेवर का होगा? वाह, मैं बहुत ताकतवर महसूस कर रही हूँ। इन चिप्स को खाकर मैं सुपर गर्ल में बदल गई हूँ। बहुत अच्छा। तो चलो क्यों ना मैं अपने शक्ति का इस्तेमाल करूँ। देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। अरे नहीं, मेरी आइसक्रीम नीचे गिर गई। हाँ, मुझे दिख रहा है कि किसी को मेरी मदद की जरूरत है। रुको, मैं आ रही हूँ। हेलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यह लो। वाओ! तुमने मुझे बचा लिया सुपर गर्ल। मिशन पूरा हुआ। जेस, कहाँ चली गई थी तुम? एक अर्जेंट काम आ गया था। मैं तो अपने चिप्स के बारे में भूल ही गई थी। यह भी जरूर जादुई होंगे। चलो शुरू हो गया। वाह, अब मैं आयरन लेडी में बदल गई हूँ। अरे यह क्या बेकार बॉल। अब मैं दिखाती हूँ कि यहाँ किसकी चलती है। वाह, तुमने तो इसे छोटा कर दिया। इतना ही नहीं, मैं और दिखाती हूँ। वाह, तुम कितनी ताकतवर हो। चलो छोटे बॉल, अब जाओ। अरे, अब हम सुपर हीरो नहीं रहे। कितने अफसोस की बात है। लाल अंडे, कितना अलग है। मेरा कहना है चलो एक मुकाबला हो जाए। शुरू करते हैं। 3, 2, 1, चलो। मुझे अपने आप पर बहुत भरोसा है। तुम मुझे नहीं हरा पाओगी। इसके बारे में हम देख लेंगे। मैं कुछ ही सेकंड में सब खत्म कर दूंगी। कितना डरावना लग रहा है। लेकिन अच्छा है कि मैं अपने प्रतियोगियों से छुटकारा पाना जानती हूँ। और इसके लिए मेरे पास एक विशेष अंडा है। मैं नहीं हारने वाली हूँ जेस, मैं सब खा जाऊंगी। वाह, वह जो कहती है वह कर देती है। ठीक है, फिर से कोशिश करती हूँ, इस बार साबुन के साथ। सारे अंडे का स्वाद अलग है। कितना अजीब है। लगता है कुछ उसे नहीं हरा सकता। ओह, साबुन का बबल। खैर ठीक है, मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प बाकी है। एक उबले हुए अंडे को बदलकर एक कच्चा अंडा दे देती हूँ। अभी बहुत कम बाकी है। छी, क्या ये कच्चा अंडा है? आखिरकार कुछ तो काम कर गया। तो तुम ही सबके पीछे थी जेस। तो ये लो। लेकिन ये तो बस एक मजाक था। लाल फैंटा, ये किस चीज का बना होगा? शायद स्ट्रॉबेरी। चलो देखते हैं। और मैं अपना नीला वाला पीती हूँ। वाह, कितना प्यारा रंग है। मेरा और भी प्यारा है। इससे स्वाद में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, यह पूरी दुनिया का सबसे अच्छा ड्रिंक है। सबसे अच्छा। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल। इसके लिए थोड़ी चीटिंग करनी पड़ेगी। यह रहा नीला फैंटा। अब मुझे लाल की जरूरत है। छूना मत, यह मेरा है। वाह, उधर वो क्या है? हो ही नहीं सकता, बेवकूफ। अब यह मेरा है। अब बस सब कुछ मिलाना बाकी है। उप्स, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। लगता है अलग अलग स्वाद का विस्फोट। तुम्हें एक
एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए था जैस। पॉपकॉर्न के दाने और किसी तरह का स्प्रे, मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या करूं। मेरे लिए तो सब स्पष्ट है, स्केटल्स का एक पूरा पैकेट। अफसोस है कि सारे रंग के कैंडी मिले हुए हैं। एक मैग्नीफाइंग ग्लास और मेरी सावधानी मेरी मदद करेगी। यह ठीक है, यह भी और यह वाला भी। लगता है मुझे भी कुछ करना चाहिए, ऐसे ही बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। वाह, यह तो नीले पॉपकॉर्न में बदल रहे हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे तुरंत खा कर देखना होगा। यह क्या हुआ, वो कहाँ गई? ओलिविया वापस आओ, मेरे पास लाल कैंडी है, यह तुम्हें बहुत पसंद है ना? शुक्र है मैं वापस आ गई, पता नहीं अभी क्या हो गया था। चलो छोड़ो, अपनी डिश खा लो। कितने बड़े और अच्छे लॉलीपॉप्स हैं। इसका स्वाद भी बढ़िया है, सिर्फ इसमें एक ही चीज की कमी है, मेरे पसंदीदा M&M's। मैं उसके ऊपर डाल देती हूँ। जैस, मेरी ट्रिक देखनी है? देखो। वाह, यह जरूर स्वादिष्ट होगा। अरे हाँ, मैंने एकदम सही कहा, मुझे भी इसके ऊपर कुछ मीठा चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ बिल्कुल, मुझे यह बटन्स तुम्हें देने में कोई अफसोस नहीं होगा। और ये एकदम कैंडी जैसे दिखते हैं। बस एक सेकेंड, हमें यह खत्म करना हो गया। हो गया, अब तुम खा सकती हो ओलिविया। कुछ मेरे मुंह में फंस गया है, इतने सारे बटन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कहां से आए। सरप्राइज, इसकी उम्मीद नहीं थी ना? गुस्सा मत करो, यह कितना मजेदार था। खाली प्लेट, यह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वाह, कुछ आ गया है, मेरे पास भी। हमें ध्यान से देखना होगा। वाव, यहाँ एक बटन है। वाह, इससे लाइट निकलती है। वाह, मेरा भी ऐसा ही होना चाहिए। वाह, कितना सुंदर। इस चीज से मुझे लेजर बीम की याद आ रही है। कितने सारे हैं, लेकिन मैं एक बिल्ली की तरह सारे के बीच से जा सकती हूँ बिना कुछ छुए। नीचे, पीछे और अब आगे। हो गया। मैं कितनी चालाक हूँ, और इधर मैं नाच भी सकती हूँ। अरे जैस, तुम्हें क्या हुआ? लगता है वह दिन में सपने देख रही है, लेकिन मैं भी किसी चीज के सपने देख सकती हूँ। इन बीम से मुझे एक पार्टी की याद आ रही है। लगता है किसी को बहुत मजा आ रहा है। खैर, मुझे भी साथ में मजा करने से कोई दिक्कत नहीं है। होम पार्टी। वाह, और फोम की जरूरत है। ओ, चिप्स। बहुत बढ़िया। छी, मछली। शार्लेट को दोबारा कुछ अच्छा नहीं मिला है, इसे ठीक करने का कुछ तो अच्छा तरीका होगा, है ना? एंजी, क्यों ना तुम पहले जाओ और उस मीठे और नमकीन जोड़ी को चेक कर देखो। वाह, क्या वह प्रिंगल चॉकलेट में बदल गया? अब तो वो और भी बेहतर है। क्या मछली के साथ भी ऐसा होगा? चलो बस कर लो शार्लेट, और यकीन रखो चमत्कार में। देखो, वास्तव में काम कर गया। वो मछली तो हजार गुना ज्यादा स्वादिष्ट हो गया। एंजी को थोड़ी जलन हो रही है, और उसे भी इतने स्वादिष्ट ट्रीट का आनंद लेना है। एंजी, लगता है कि उसने देखा नहीं कि यह बदल गया है। बहुत बुरा। हम्म,
ये छोटी चीजें क्या है, कितना प्यारा। क्या शार्लेट तुम्हें किसी का श्राप लग गया है? ब्रोकली के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। जब तक एंजी अपने कैंडी पेसिफायर से खेल रही है, शार्लेट बस वही सोच रही है कि वह कितनी बदकिस्मत है। एंजी तो अब सपने देखने लगी है कि वह तो असलियत से बहुत दूर चली गई है। वह इसके बारे में कल्पना करने लगी है कि वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है जिसे बहुत सारे उपहार और फूल मिले हैं। और अब असली दुनिया में उसे एक बहुत ही अलग तरह का पौधा दिया गया है, लेकिन तब भी उसके पास शक्कर है जो बुरा नहीं है। शार्लेट तो अब निराश नहीं है, उसे ब्रोकली मिला है तभी भी ठीक है, वह इससे निपट लेगी। बहुत प्रभावशाली। एंजी कभी ना कभी तो चीजें बदलने ही वाली थी। अच्छा प्याज है, दूसरी तरफ शार्लेट आखिरकार मुस्कुरा रही है। एंजी ने अपना डिश खाया और उसका सुझाव है कि कोई भी इसे कभी ना खाए। ओ, क्या उसके आंसू भी चॉकलेट से बने हैं? शार्लेट यह सोच रही है कि वो अपने तरबूज से अच्छी चीज कैसे निकालेगी। कोई चिंता की बात नहीं है, उसके पास इसे काटने का सबसे अच्छा तरीका है। अरे किसे पता था कि यह लड़की एक फ्रूट निंजा है? यह तो एक खतरनाक प्रतिभा है। आखिरकार शार्लेट अपनी पहली अच्छी डिश का आनंद ले सकती है। हम सब जानते हैं कि ताजा रसदार तरबूज कितना अच्छा होता है, और चॉकलेट के साथ तो यह और भी बेहतर है। बहुत अच्छा। अब एंजी कुछ बुरा करने वाली है। वो शार्लेट को खुश रहने नहीं देगी और वो फाउंटेन को बर्बाद करने जा रही है, उसमें थोड़ा सा वसाबी डालकर। ओह यह तो भयानक है। शार्लेट का ध्यान अपने पहले अच्छे दौर पर इतना था कि उसने यह देखा ही नहीं कि चुनौती में ध्यान कभी भी नहीं हटाना चाहिए। एंजी यह मजेदार था पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं। एक बेहतरीन जोड़ी है यह कोका कोला और फ्रेंच फ्राइज। हमारे प्रतियोगी थोड़ा सा भी समय बर्बाद नहीं करते हैं और तुरंत अपने फ्राइज को फाउंटेन में घुसाया। यह चॉकलेट कैंडी स्टिक में बदल गया। बहुत अच्छा। तो क्या इसका मतलब है कि सोडा भी चॉकलेट फ्लेवर का हो गया? नहीं, एंजी के पास साधारण वाला है, लेकिन शार्लेट के पास कुछ बेहतर है। बहुत सारा कैंडी। मैं शर्त लगाती हूँ कि यह कुछ बहुत ही अनोखा होगा। बेशक एंजी को भी एक घूंट चाहिए उस विशेष चीज की, लेकिन उसे अपने लालच का फल भुगतना होगा। वह लड़की तो चॉकलेट से पूरी तरह से ढक गई है। आशा है कि दाग ना पड़ जाए। चिकन लेग। बेशक ये अकेले बहुत स्वादिष्ट होते हैं, पर चॉकलेट के साथ मुझे नहीं पता। शार्लेट के पास एक बेहतर विकल्प है। उसे एक बहुत बड़े चम्मच की जरूरत होगी इसका आनंद लेने के लिए। स्वादिष्ट। चॉकलेट और कैंडी, इससे और बेहतर क्या हो सकता था? जितना उसने सोचा था उससे बड़ा चम्मच है। इसके लिए तो उसे एक बड़े सिर की जरूरत होगी। अरे ये उसने कैसे किया? कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। यह तो लगता है कि बात सच है। एंजी यह करना नहीं चाहती है, लेकिन उसे किसी भी तरीके से खाना होगा। देखने में तो चिकन और बारबेक्यू सॉस की तरह लगता है, पर स्वाद जरा सा भी करीब नहीं है। लेकिन वास्तव में यह बहुत बेहतर है। काफी आश्चर्य की बात है, लेकिन अच्छा है। शार्लेट ने यह देखा, वह हर चीज का हिस्सा बनना चाहती है और वह चीजें और दिलचस्प बनाना चाहती थी, जो एक बहुत बड़ी भूल थी। एंजी ने तुम्हें उल्लू बनाया। हेलो मिस्टर टेडी। बिल्कुल सही डिजर्ट।
हालांकि एक चिकन सैंडविच तो खाने के लिए बेहतर है, लेकिन चॉकलेट के बिना प्लीज। शार्लेट ये ऐसे ही बर्दाश्त नहीं करेगी, वह कुछ चीजों से छुटकारा पाना चाह रही है। यारा, एक बार चॉकलेट में डूबा हुआ, यह तो एक अलग ही कहानी है। अब तो यह एक पेस्ट्री जैसा ज्यादा लग रहा है। अब एक बड़ा सा सुंदर सा गमी बेयर चॉकलेट में डुबाया हुआ, इसके तो लोग सपने देखते हैं और यह तो लड़ाई के लायक है, और शार्लेट यह लड़ाई जीतने के लिए डटी है। आउच! शार्लेट, तुम यह चोट खाने से बच सकती थी। कोला, बहुत बढ़िया। अरे हाँ, मैं तो इसके सपने काफी दिनों से देख रही थी। मेरी बोतल मुझे थोड़ी अजीब सी दिख रही है। ओह, मुझे समझ आ गया, यह चॉकलेट का बना हुआ है। यह असली कोला से भी बेहतर है। मुझे पूरा यकीन है कि यह सोडा भी बहुत स्वादिष्ट है। थोड़ा मेरे लिए भी डालो। ओके। हाँ, जरूर यह लो। मेरा कहना है कि हम यह कोला साथ में पीते हैं। कोला में चॉकलेट का स्वाद, वाह, बहुत बढ़िया। मैं देख रही हूँ कि तुम लोगों का ध्यान थोड़ा हट गया है, अब समय है तुम लोगों को खुश करने का। चलो एक छोटी सी बाढ़। कोला कहीं से लीक हो रहा है। ओह, एक छेद है। तुमने सब कुछ गिरा दिया कमीला। माफ करना, मैं ऐसा नहीं करना चाह रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कैक्टस है। आह, कांटा चुभ गया। मेरे वाले से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यह चॉकलेट का बना हुआ है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। निराश होने के लिए बहुत जल्दी है, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। यह कैक्टस मुझे वाइल्ड वेस्ट की याद दिलाता है। अगर मैं वहां रहती तो निश्चित रूप से एक काउ बॉय बन जाती और शार्लेट से लड़ती। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं भी कुछ कम नहीं। निशाना लग गया। आ, फिर से कांटा चुभ गया। तुम सपने कम देखा करो। जब मैं कल्पना लोक में थी, एक अच्छा विचार मेरे दिमाग में आया। मैं एक स्ट्रॉ का उपयोग करके कैक्टस का रस पीऊंगी। काफी अच्छा है। क्या तुम्हें किसी अच्छी चीज की खुशबू आ रही है? यह पिज्जा है और यह अभी भी गर्म है। मैं एक टुकड़ा लूंगी। आ, दर्द हो रहा है। खैर, कोई बात नहीं, मैं तुमसे बदला लूंगी शार्लेट। टबैस्को की एक दो बूंद और बस तुम मेरे साथ साझा करना चाहोगी। मैं तो अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, और बहुत ज्यादा तीखा। यह सब तुम्हारे लिए है कमीला, और इसे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। जब तक तुम लोग बातों में लगी हो लड़कियों, मुझे लगता है मैं इसे थोड़ा खा लूं। तुम लोगों की इन बातों से मेरी भूख जाग गई है। वैसे चॉकलेट पिज्जा भी कुछ होता है। यह अफसोस की बात है कि कमीला इसे नहीं खा पाएगी। मैं इसे नहीं लूंगी। नहीं, ले लो। जब हम आपस में बहस कर रहे थे, मेरा पिज्जा कहीं चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ गए। मुझे कुछ अनुमान है। पाली, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैंने कुछ नहीं किया है, हालांकि इसके लिए बहस करना मूर्खतापूर्ण है। एक चॉकलेट का बना हुआ चम्मच निश्चित रूप से एक असली चम्मच से बहुत बेहतर है।
कितना अच्छा होगा अगर दोनों चम्मच खाने लायक हो। नहीं, मेरा वाला बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। आह, मेरे दांत लगभग टूट ही गए थे। रोना बंद करो शार्लेट, अब मैं तुम्हें अच्छा महसूस करवाती हूँ। यह क्या है? मिल्कशेक। बहुत बढ़िया, हम इसे और रंगीन बनाते हैं। मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। अच्छा, यदि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो जैसा है वैसा ही छोड़ दे। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे पास एक चॉकलेट चम्मच है। अरे नहीं, वो पिघल गया है। पर यह कॉकटेल चॉकलेट वाला बन गया है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। यह तो बहुत अच्छा हो गया, पर यह मूछें तुम पर अच्छी नहीं लगती।